टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू अ शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर। जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बोलते हैं कि आपने बोला कोई तो रास्ता होगा अंग्रेजी सीखने का, कोई तो तरीका होगा उससे बात करने का, कोई तो रास्ता होगा वहां जाने का, कोई तो रास्ता होगा उनसे मिलने का, कोई तो रास्ता होगा इस मोबाइल से डाटा बचाने का। तो जब हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जिनमें हम बोलते हैं कोई तो रास्ता होगा और उसके बाद में आता है किसी मुख्य क्रिया को, हम बोलते हैं करने का। तो और इसके साथ में एक शब्द हम लिखेंगे, एक वाक्य लिखेंगे रेडी में, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा, उसके बाद मुख्य क्रिया प्लस करने का। तो इसके लिए हम जो ग्रामर का स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। तो ग्रामर के स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर बनाएंगे देयर, देयर यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर यूज करेंगे मस्ट बी, फिर हमने बोला कोई तो रास्ता होगा या तरीका होगा, देयर मस्ट बी सम वे। उसके बाद में हमको यहाँ पर टू लगाना है और टू के बाद वो थी फर्स्ट फॉर्म लगाना है और अदर वर्ड। तो ये हमारे स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हम इस प्रकार के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसे वाक्य हम स्पोकन में हिंदी में अपनी डेली रूटीन लाइफ में खूब यूज करते हैं। हम एक एग्जांपल यहाँ बताता हूँ, जैसे मैंने बोला कोई तो रास्ता होगा अंग्रेजी सीखने का, तो मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करूंगा देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। ऐसे आप कोई सेंटेंस बनाना चाहे, जैसे आपने कहा कोई तो रास्ता होगा तुमसे बात करने का, देयर मस्ट बी सम वे टू टॉक टू यू, तुमसे बात करने का। इसी प्रकार के वाक्य आप अपने साथ में बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेंटेंस में जो देयर मस्ट बी सम वे है ये आपको रेडीमेड रखना है, इतना ये सेंटेंस में परमानेंट चलेगा। और उसके बाद में टू प्लस वी वन आपको अलग से जोड़ देना है। अब मैं सेंटेंस बोलता हूं आपके लिए जो कमेंट बॉक्स में आपको ट्रांसलेट करके देना है, कोई तो रास्ता होगा चैनल को वायरल करने का। मैं दूसरा सेंटेंस आपके लिए बोल रहा हूं, कोई तो रास्ता होगा अंग्रेजी सीखने का।